Hello, welcome to all of you guys. I hope you all are fine. Today I explain how to print a star sequence for. आज जो हम pattern print करने वाले हैं उसमें stars को decreasing order में हम print करेंगे. First row में 9 star हम print कर रहे हैं, second row में 7, then 5, 3 and 1. Decreasing order में हम star को आज print करेंगे. If you didn't subscribe this channel, please do it now and hit the like button also. Let's start. Let's start a program. Program to print star sequence 4. आज जो हम pattern print करने वाले हैं वो star sequence का 4th pattern है. Already हमने 3 pattern print करना सीख लिए हैं. आज हम 4th pattern print करना सीखेंगे. यहाँ पर जो pattern print हो रहा है इसमें first row में 9 asterisk print हो रहे हैं, second में 7, third में 5 एंड फोर्थ रो में 3 एस्ट्रिक एंड फिफ्थ में 1 एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है. मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं. तो इस पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए हम दो पार्ट में प्रिंट करेंगे. मीन्स फर्स्ट पार्ट में हम इतना ट्राइंगल प्रिंट करेंगे और सेकेंड पार्ट में इतना ट्राइंगल प्रिंट करेंगे. तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं. यहाँ पर इंक्लूड studio.h, देन सेकेंड हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं. यहाँ पर इंक्लूड conio.h. दोनों हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद में हम यहाँ पर मेन मेथड चला लेते हैं. void main, देन ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं. ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में इस पैटर्न में जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उनको डिक्लेयर कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं आई, देन जे, के और n. इतने वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो n वेरिएबल है वो नंबर ऑफ रोज है जो कि यूज़र इंसर्ट करेगा. यहाँ पर यूज़र को हम एक चॉइस दे रहे हैं, वो नंबर ऑफ रोज एंटर करके पैटर्न को ईजिली प्रिंट कर सकता है. तो इस n की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट दे देते हैं. यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ रोज. ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होकर आएगा जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कराएंगे. स्कैन एफ परसेंटाइल डी और एम परसेंट एन. इस स्टेटमेंट के थ्रू यूज़र नंबर ऑफ रोज यहाँ पर इंसर्ट करा देगा. देन हम फॉर लूप चलाते हैं. अब यहाँ पर जब हम फॉर लूप चलाएंगे तो यहाँ पर फॉर लूप नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग ही चल रहा है. तो आई की इनिशियल वैल्यू हम क्या दे देते हैं, एन दे देते हैं और कंडीशन क्या देंगे कि आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आई माइनस माइनस. क्योंकि यहाँ पर जो एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं. मीन्स 9, 7, 5, 3 और 1. तो यहाँ पर जो हम कंडीशन चला रहे हैं वो भी डिक्रीमेंट ऑर्डर में ही चला रहे हैं. तो जो आई की इनिशियल वैल्यू है वो एन है. जो भी नंबर ऑफ रोज यूज़र इंसर्ट करेगा वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा. देन इसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं. अब हम यहाँ पर ये जो स्पेसिंग वाला ट्रायंगल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 1 स्पेसिंग प्रिंट हो रहा है, यहाँ 2 स्पेसिंग है, यहाँ 3 स्पेसिंग है और यहाँ पर 4 स्पेसिंग है. तो ये जो आपका ट्रायंगल स्पेसिंग का यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, इस स्पेसिंग के ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि हम वेरिएबल जे की हेल्प से यहाँ पर चलाएंगे. तो जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होकर ये जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस आई तक ये लूप चलेगा और जे प्लस प्लस. तो सपोज़ एन की वैल्यू यूज़र ने 5 इंसर्ट की है तो 5 माइनस 5 यानी कि 0. तो फर्स्ट रो में कोई भी स्पेसिंग हमारी प्रिंट नहीं हो रही है. तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है. अब इस लूप के थ्रू हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं, स्पेसिंग प्रिंट कराने वाले हैं. तो हमारा ये स्पेसिंग प्रिंट हो जाएगी और लूप को हम टर्मिनेट कर देते हैं. स्पेसिंग को प्रिंट कराने के बाद में अब हम इस
पार्ट को प्रिंट कराने के लिए लूप से लाएंगे फॉर के इक्वल्स टू आई, और कंडीशन यहाँ पर हम क्या देंगे के लेस देन इक्वल्स टू टू इंटू आई माइनस वन के प्लस प्लस, मीन्स आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है जो कि एन की वैल्यू होगी, मीन्स यहाँ पर एन की वैल्यू यूज़र ने 5 एंटर कराई है सपोज़, तो यहाँ पर के कहाँ से स्टार्ट होगा 5 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा 2 इंटू आई माइनस वन मीन्स 9 तक, तो के की वैल्यू 5 पर ये लूप चलेगा, 6 पर 7 8 और 9 पर चलेगा, और क्या प्रिंट कराएगा एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, उसके लिए हम स्टेटमेंट दे देते हैं यहाँ पर, एस्ट्रिक हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, एस्ट्रिक हमने प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट दे दिया, देन ये लूप हमारा क्लोज हो गया। अब इसके बाद में इस वाले लूप से तो हमारा इतना पार्ट प्रिंट हो जाएगा, ये वाला एस्ट्रिक वाला। सेकंड पार्ट को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर लूप चलाते हैं फॉर के इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये लूप जो है वो 4 टाइम चलेगा, क्योंकि फर्स्ट रो में हमारे 4 एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं, तो हम कंडीशन क्या देंगे के लेस देन आई माइनस वन और के प्लस प्लस, मीन्स फर्स्ट टाइम में ये लूप जो एस्ट्रिक प्रिंट कराएगा वो 5 माइनस वन यानी कि 4 एस्ट्रिक प्रिंट करा देगा। अब एस्ट्रिक को प्रिंट करना है तो स्टेटमेंट दे देते हैं यहाँ पर प्रिंट एफ एस्ट्रिक, देन ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। जब आप इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट टाइम में हमें कोई भी स्पेस नहीं मिल रहा है, देन इस वाले लूप के थ्रू हमारे पास में कितने एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं 5 एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं, और इस वाले लूप के थ्रू हमारे कितने एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं 4 एस्ट्रिक। इसके बाद हमें चाहिए होगी नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन के लिए स्टेटमेंट दे देते हैं यहाँ पर प्रिंट एफ स्लैश एन, देन इसके बाद में हम इस लूप को क्लोज कर देते हैं, देन हमारा आ जाएगा गेट सी एच, और गेट सी एच के बाद में ये मेन मैथड के ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, देखते हैं कि आउटपुट किस फॉर्म में हमारा प्रिंट होगा, और यहाँ पर जो फॉर लूप है वो किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कराएंगे तो ये स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर शो होगा एंड द नंबर ऑफ रोज, ये स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर शो होगा। यूज़र यहाँ पर कोई भी नंबर इंसर्ट कर सकता है, सपोज़ यूज़र ने इंसर्ट करा दिए यहाँ पर 5, तो जैसे ही वो 5 इंसर्ट करेगा तो आई की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 5, हमारा फर्स्ट फॉर लूप स्टार्ट होगा, आई की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 5, जो कि हमने एन से इनिशलाइज किया हुआ, और एन की वैल्यू हमने क्या इंसर्ट कराई है 5 इंसर्ट कराई है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन क्या चेक होगी कि आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू है 5, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो ट्रू हो जाएगी कंडीशन, देन हम लूप में एंटर करेंगे। अब स्पेसिंग वाले लूप में जे की वैल्यू क्या है 1 है, कंडीशन चेक होगी कि j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू भी 5 है, 5 माइनस 5 मीन्स 0, तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा, ये लूप टर्मिनेट होगा। देन नेक्स्ट लूप पर आते हैं, नेक्स्ट लूप में k को हमने इनिशलाइज किया i की वैल्यू से, तो i की वैल्यू इस समय क्या है 5 है, कंडीशन चेक होगी कि k लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू आई माइनस 1, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 9, तो 5 k की वैल्यू क्या है 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 9, 5 लेस देन इक्वल्स टू 9, तो कंडीशन चेक करने पर फुलफिल हो रही है, तो हमारा जो एस्ट्रिक है वो प्रिंट हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद में k की वैल्यू में क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 6, अभी भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 6 लेस देन इक्वल्स टू 9, तो दोबारा से एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। देन k की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो 7 पर भी कंडीशन फुलफिल हो रही है 7 लेस देन इक्वल्स टू 9, तो एस्ट्रिक हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में इंक्रीमेंट होके k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो 8 पर भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है 8 लेस देन इक्वल्स टू 9, एस्ट्रिक हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होके वैल्यू हुई 9, तो 9 पर भी कंडीशन फुलफिल हो रही है 9 लेस देन इक्वल्स टू 9,
देन हमारा एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होगी 10, तब जो कंडीशन है k लेस देन इक्वल्स टू 9 वाली ये फुलफिल नहीं होगी, तो ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट लूप की बात करते हैं। यहाँ पर k को इनिशलाइज किससे किया गया है, 0 से इनिशलाइज किया गया। कंडीशन क्या चेक हो रही है कि k लेस देन i माइनस 1, i की वैल्यू क्या है 5, माइनस 1 यानी कि 4, तो k यानी कि 0 लेस देन 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारा जो एस्ट्रिक है वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद k की वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, मीन्स 1 हो जाएगी, तो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, 1 लेस देन 4 एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में k की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू हुई 2, अब भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2 लेस देन 4 एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में k की वैल्यू हुई 3, कंडीशन चेक करते हैं कि 3 लेस देन 4 यस फुलफिल हो रही है, तो भी एस्ट्रिक हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन जैसे ही k की वैल्यू होगी 4, तो 4 लेस देन 4 यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो लूप हमारा जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन मिलने के बाद में i की वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फुलफिल हो रही है, तो हम लूप में एंटर करेंगे। अब यहाँ पर j की वैल्यू क्या है, 1 है, कंडीशन चेक होगी कि j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस i, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और i की वैल्यू क्या है 4, 5 माइनस 4 यानी कि 1, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि j की वैल्यू 1 है, तो एक स्पेस यहाँ पर हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में जैसे ही j की वैल्यू होगी 2, तब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 4 मीन्स 1, तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक ही स्पेस हमारा प्रिंट होगा और ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट लूप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लूप में k को इनिशलाइज किया गया है i से, तो i की वैल्यू क्या है इस समय 4 है। देन कंडीशन चेक करते हैं कि k लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू i माइनस 1, तो 2 इंटू i की वैल्यू क्या है 4, तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 यानी कि 7, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 4 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब क्या प्रिंट हो जाएगा, एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू होगी 5, कंडीशन चेक होगी कि 5 लेस देन 7 यस दोबारा एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। देन k की वैल्यू चेंज होगी मींस इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू होगी 6, कंडीशन चेक होगी कि 6 लेस देन 7 यस दोबारा से एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू होगी 7, कंडीशन चेक होगी कि 7 लेस देन 7 यस तब भी एस्ट्रिक हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू होगी 8, इस वैल्यू पर जब कंडीशन हम चेक करेंगे कि 8 लेस देन इक्वल्स टू 7 तब ये फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये वाला जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लूप की बात करते हैं। नेक्स्ट लूप में k को इनिशलाइज किया गया है यहाँ पर 0 से, 0 से इनिशलाइज किया है, कंडीशन चेक होगी कि k लेस देन i माइनस 1, i की वैल्यू इस समय क्या है 4 है, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 0 लेस देन 3 तो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, तो एस्ट्रिक हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में k की वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू होगी 1, अब कंडीशन देखते हैं कि 1 लेस देन 3 अभी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो एस्ट्रिक हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन k की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू हुई 2, 2 लेस देन 3 अभी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। देन k की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू हुई 3, तो जब हम कंडीशन चेक करेंगे कि 3 लेस देन 3 तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमारा ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमें नेक्स्ट लाइन मिल जाएगी।
नेक्स्ट लाइन मिलने के बाद में आई की वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू होगी 3। अब आई की वैल्यू 3 पर भी हमारा ये जे स्पेसिंग वाला लूप, जो हमारा फर्स्ट पैटर्न ट्रायंगल जो प्रिंट कर रहा है ये के वाला लूप, देन थर्ड के वाला लूप, इसी फॉर्म में वर्क करेगा जैसे हमने अभी फर्स्ट एंड सेकंड रो को प्रिंट कराया। देन ये लूपिंग हमारी वर्क करेगी, तो यहाँ पर हमारा 2 स्पेस प्रिंट कर देंगे। देन यहाँ पर इस वाले लूप से 3 एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएंगे और इस वाले लूप से ओनली 2 एस्ट्रिक प्रिंट होंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट लाइन मिलने के बाद में आई की वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 पर भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देन ये तीनों लूप हमारे जैसे पहले चले हैं वैसे ही वर्क करेंगे और यहाँ पर जे वाला जो लूप है वो 3 स्पेसिंग प्रिंट कराएगा और जो फर्स्ट केक के लिए हमने लूप चलाया है उससे 2 एस्ट्रिक प्रिंट होंगे और जो सेकंड के वाला लूप है उससे 1 एस्ट्रिक प्रिंट होगा और देन नेक्स्ट लाइन हमें मिल जाएगी। देन आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 1। कंडीशन अभी भी फुलफिल हो रही है कि 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दोबारा से ये तीनों लूप वर्क करेंगे, तो जब जे वाला लूप वर्क करेगा तो कितने टाइम्स वर्क करेगा, ये 4 टाइम्स वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर n माइनस आई, n की वैल्यू 5 और i की वैल्यू इस समय है 1, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो ये 4 टाइम चलेगा तो 4 स्पेसिंग ये प्रिंट कर देगा। देन ये वाला जो लूप है वो i की वैल्यू क्या है, 1, तो कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो ये वाला लूप भी ओनली सिंगल टाइम ही चलेगा और एक एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। और इस वाले लूप को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 है और यहाँ पर जब कंडीशन चेक करेंगे कि 1 माइनस 1, क्योंकि इस समय i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो कंडीशन ये फुलफिल नहीं होगी। तो लास्ट वाली रो में ये वाला जो लूप है वो यूज़ ही नहीं होगा और टर्मिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन मिलेगी और i की वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी तो जो ये कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी क्योंकि 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फुलफिल नहीं हो रही है, तो आउटर वाला लूप भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा फाइनल जो पैटर्न है वो हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज़ क्लियर फॉर यू। आज जो हमने स्टार सीक्वेंस प्रिंट करना सीखा उसमें हम स्टार्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करा रहे थे और इसमें नेस्टेड फॉर लूप हमने यूज़ किया था। स्टार्स पैटर्न को 2 पार्ट में डिवाइड करके आज हमने प्रिंट किया। फर्स्ट पार्ट के लिए अलग फॉर लूप यूज़ किया और सेकेंड पार्ट के लिए अलग फॉर लूप यूज़ किया। टोटल इसमें हमने 4 फॉर लूप यूज़ किए हैं। सो If you didn't subscribe this channel, please do it now and also press the bell icon for the future update and share this video to your friends and relatives. Thank you so much for watching, everyone. Bye-bye.